जैसे बिल्कुल। कृष्णा है क्या? फिश देखिए कितना अच्छे से फ्राई हो रहे हैं अभी। हेलो फ्रेंड्स, आप सबको मेरी एक न्यू ब्लॉग में स्वागत है। आज मैं शाम को ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। देखिए शाम को हमारे घर में अभी क्या चल रही है। देखिए कृष्णा और उनके पापा दोनों एक्सरसाइज कर रहे हैं। कृष्णा पापा को देख के एक्सरसाइज कर रहा है। क्या कृष्णा आपका हो गया? इन दोनों का एक्सरसाइज चल रहा है। इधर बुबू का पढ़ाई चल रही है और कृष्णा का पोज देखिए कैसे हालत में है। और ऐसे ये क्या है? कृष्णा है क्या? ऐसे रुक जाते हो आप? बेटे दोनों बैठ के एक्सरसाइज कर रहे हैं और हम माँ बेटे दोनों बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं हमारा। अभी अभी मेरे छोटे भैया गांव से आ रहा है और फोन किया था नीचे जाने के लिए। वो थक गया है तो मैं नीचे जा रही हूँ। क्या लेके आया है पता नहीं, थक गया है। मेरे स्लीपर कहाँ गई? इतना अंधेरा क्यों है रे? तो नीचे चलते हैं। मैं कब से आके खड़ी हूँ और तू अभी आ रहा है? 5 मिनट हो गया मैं आके खड़ी हूँ। क्या क्या लेके आए हैं देखिए? इसमें क्या है? मैं ये बोरी नहीं उठा पाऊंगी। तुम्हारा बैग ले लेती हूँ। अच्छा अच्छा जल्दी, मुझे तो पूरा बैग उठा के लेने के लिए बोल दिया। इतना सारा बैग हो गया मेरा और इसका बैग पूरा उठा के मैं जा रही हूँ। पुल्ली जैसे, अरे अरे लग जाएगा, पुल्ली जैसे बिल्कुल। तो ये सीढ़ी चढ़ चढ़ के थक जाऊंगी। 60 सीढ़ी है मेरे रूम तक नीचे से और ये पुल्ली जैसे सब लद दिया मेरे ऊपर। और वो भी लेके आ रहा है बोरी को। अरे माँ उड़ जा उड़ जा उड़ जा, माँ वो बोरी लेके जा रहा है ऊपर में रख देगा। फिर चल 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 चल, तुम ये पकड़ो, तुम्हारा चिप्स ही गिर जाओ गिर जाओ गिर जाओ, निकलो निकलो निकलो। तो इधर देखिए ये मेरे छोटे वाले भैया है। उस दिन मैं जिसके घर गई थी वो बड़े वाला भैया था। तो मेरे दो भैया है और ये अभी गांव से आया है, मतलब बाहर ये जॉब करता है कर्नाटक में। तो कल इसको जाना है, 20 में उसका ट्रेन है 20 तारीख को। तो ये आज आया है हमारे घर में, रात को होल्ड करेगा। फिर मॉर्निंग में इसको लेके हस्बैंड लेके स्टेशन में छोड़ के आएंगे। तो इधर बैठ के देखो सब पी रहे हैं स्प्राइट और मैं ग्लास नहीं दे रही हूँ, छोटे छोटे बॉटल था तो बॉटल में पीना उनको अच्छा लगा। पर कृष्णा को मैं ग्लास दे रही हूँ, बॉटल में वो नहीं पी पा रहा है। और बुबू भी, तीनों के लिए मैं दे रही हूँ। और अभी बच्चे देखो मामा आया है तो कितना खुश है। और मामा के साथ साथ वो लोग भी इधर स्प्राइट पी रहे हैं। हस्बैंड इधर बात कर रहे थे उसके साथ और ये सब चल रहा था। इसके साथ और एक इसका दोस्त आया है, वो उसके मासी के घर रुक गया है। तो वही बात मैं उसको पूछ रही थी कि वो क्यों नहीं आया। तो उसने बोला कि वो उसने उसका मासी के घर में रुक गया है, यही बात चल रहा था। तो ये हो गया है, थोड़ी सी बात करके मैं इधर आ गई हूँ किचन में। और देखिए हस्बैंड मछली ला के उसको मैरिनेट करके रखे हैं सब्जी बनाने के लिए। मैं उन लोगों के लिए बना रही हूँ इधर पकौड़ा। और जो मेरे बड़ा वाला भैया है ना, उसके घर भी छोटा वाला भैया जाएगा, थोड़ा सा घूम के आएगा क्योंकि अभी वो बाहर चला जाएगा कल। तो जो छोटी सी भतीजी है उसको थोड़ा सा देख के फिर वो आएगा। तो वो बोल रहा था कि उनके घर में रात में रह जाएगा, पर मैंने बोला कि थोड़ी सी हमारे घर में कुछ तो खा के जाओ।
तो अभी बात कर रहा है, मैं उन लोगों के लिए इधर पकोड़ा बना रही हूँ। इधर मैंने प्याज और उसके साथ आलू को मिक्स करके छोटे छोटे करके काट लिया, उसके साथ बेसन भी डाल दी हूँ, नमक और थोड़ी सी ऑयल भी उसमें ऐड करूँगी ताकि पकोड़ा जो क्रिस्पी बने, और उसको मिक्स कर लूँगी। और इधर बड़ा वाला लड़का को देखिए, वो मुरमुरे का डिब्बा लाया था साफ़ करने के लिए। अभी भाई जो गांव से मुरमुरे लेके आया था, और ये मुरमुरे डिब्बा में पुराने मुरमुरे थे, उसको डस्टबिन में डाल के डिब्बा साफ़ करके अभी उसको भरने के लिए ले रहा है। हस्बैंड को ना हर चीज़ के जल्दी होते हैं, तो उनको बहुत डिसिप्लिन पसंद होता है। कोई भी चीज़ आता है तो वो जल्दी जल्दी उस सामान को उसके जगह पर रखना पसंद करते हैं। गर्मा गर्म पकौड़ा रेडी हो गया। और इधर सारे जो बोरी में सामान लेके आए थे सब्जी वगैरह, उस सबको निकाल के साफ कर रही हूं। हम लोग के लिए ये मेरी है, तो छोटा वाला भैया भी बड़ा वाला भैया के घर गया है। बड़ा वाला भैया भी इधर रहता है, तो हम जिसके घर थोड़े दिन पहले गए थे जो बर्थडे था, तो उनके घर गया है। और मेरे हस्बैंड भी उसके उनके साथ में गए हैं, तो उनके घर में थोड़ी देर रुक के बातचीत करके फिर वापस आ जाएंगे। तो भाई भाभी ने भी डिनर बनाई है, उधर खा के आएंगे तो ठीक है, नहीं तो मैं बनाऊंगी अभी मछली का सब्जी और चावल। तो भैया क्या क्या लेके आया है मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। देखिए मम्मी जी ने मेरे लिए क्या क्या भेज दिया है। ये आटा है, ये चावल, मैं बाहर रहती हूँ ना, गांव में नहीं रहती हूँ, तो घर का सामान थोड़े थोड़े, ये मूंग की दाल, और ये ऐसे पानी में इतना लग रहा है पर 2-2.5 kg होगा, और ये उड़द की दाल छिलके वाली, इसका डोसा बनता है, तो ये डोसा बनाने के लिए ये चावल और दाल, और ये नमकीन का पैकेट भैया लेके आया था, चिप्स और केक वगैरह लेके आया था, बच्चे ने थोड़े थोड़े खा लिए और मैंने थोड़े छुपा के रख लिया है, और ये मुरमुरे। और हस्बैंड को होता है ना जल्दी जल्दी सब चीज़ भरने का, तो उन्होंने सब रख लिया था सब भर के। और ये मेरी फेवरेट स्वीट्स, अभी इतना बचा है, हमने लाते ही सब खाना शुरू कर दिए थे, और स्वीट्स मेरा फेवरेट है, मैंने इसमें से 4 पीस ऐसे ही खा लिए, आज रात को खाना नहीं खाऊंगी। और कृष्णा ने भी 3 पीस, बुबू ने 2 पीस, आपने 2 पीस खाया, 2 पीस, और भाया ने भी 2 पीस ऐसे सब खा लिया है। और ये बीन्स सब्जी में, और आलू, वो वाला आलू, ये दुकान वाला आलू है, और बिलाती आलू, और ये फूलगोभी, और ये रहा हमारा सबका फेवरेट एलोवेरा। हमारा बहुत सारे है ना इधर लेके आए हैं, बुबू लगाता है उसके चेहरे पर, मैं भी लगाती हूँ, तो एलोवेरा। और ये रह गया हमारा याम, यानी मिट्टी का आलू, ये होता है हमारे तरफ। ये सब लेके आया है भैया मेरे लिए। और सब्जियां हस्बैंड कुछ अंदर रख दिए हैं फ्रिज में, तो ये टमाटर भी लेके आया था, और ये बैंगन भी, हस्बैंड को जल्दी होता है रखने की सब्जी, हस्बैंड ज़्यादा डिसिप्लिन है मेरे, सब चीज़ जल्दी जल्दी उसके जगह पर रहना उनको बहुत पसंद है, और वो रख लेते हैं, मैं थोड़ी सी कम हूँ, मतलब मुझे इतना जल्दी नहीं होता, करेंगे आराम से करेंगे ऐसे सोचती रहती हूँ, और वो ना उनके काम फटाफट कर लेते हैं, तो इन चीज़ों को रख के मैं जा रही हूँ खाना बनाने के लिए। और ये पोहा भी दिया है, तो हस्बैंड ने देखो भर के रख दिए, मैं इसलिए बोल रही थी हस्बैंड होते तो मुझे कितना हेल्प कर देते। और इधर भी मैं भैया के लिए पकौड़ा बनाते बनाते उन्होंने सारा कुछ निकाल के अच्छे से रख लिया है सब जगह पर, तो ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। फिश ऑयल ये पूरा, ये क्या नेचुरल वे में फिश का चर्बी को ला के सीधा तवा में डाला, तो ये से इतना सारा तेल निकल गया देखिए। और इधर मैं चावल बैठा दी हूँ, और औरत का काम कभी ख़त्म नहीं होने वाला है, बेसिन पूरा खाली हो गया था, अभी देखिए कितना सारा भर गया फिर से। इधर मैं चावल के लिए जो पानी बैठाई थी, पानी बॉयल हो गया है देखिए, अब मैं चावल को धुलाई करके साफ़ कर रही हूँ, और चावल डाल देती हूँ, चावल होते रहेगा, फिर मैं मछली को फ्राई करके मछली का सब्जी बनाऊँगी। कर देंगे, तब तक मैं बर्तन धुलाई कर लेती हूँ, कितना सारा भर गया है।
है, अब फिश फ्राई कर रही हूँ मैं। फिश ऑयल को स्ट्रेनर में स्ट्रेन करके कंटेनर में भर रही हूँ। एक मछली के चर्बी से इतना फिश ऑयल निकला है, देखिए। फिश देखिए कितना अच्छे से फ्राई हो रहे हैं। अभी हमारा फिश हो गया है, अभी निकाल लेते हैं। मसाला का प्रिपरेशन कर रही हूँ। इधर मैं बना रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट, उसमें जीरा ऐड कर दिया है। आलू मैं ऐड करूँगी सब्जी में। प्याज और आलू को छील के मैं इधर काट दी हूँ। और इधर देखिए कढ़ाई में तेल और सूखे मसाले डाल के फिर प्याज डाल के उसको भून रही हूँ। और अदरक लहसुन का पेस्ट भी बना दिया है। अदरक लहसुन का पेस्ट पाउडर मसाले मैंने ऐड कर दिया है। थोड़ी सी कश्मीर लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ और मसाला को अच्छे से भूनते हैं। तेल बाहर आने तक मसाला को भूनेंगे अच्छे से। अच्छे से मसाला हमारा भुन गया है। अब मैं ये गर्म पानी बनाई हूँ, इसको ऐड कर देती हूँ। ये बॉयल होने के बाद फिश उसमें ऐड करूँगी। गर्म पानी ऐड करेंगे। पानी उबल गया है, अब मैं सारे फिश ऐड कर देती हूँ इसमें। ढक्कन ढक के 10 मिनट के लिए इसको पका लेते हैं। तब तक मैं रूम वगैरह झाड़ू फाड़ू करके आ जाती हूँ। बर्तन पूरा क्लीन कर लिया है। खाना खाने के बाद जो बर्तन निकलेगा उसको बस धुलाई करना पड़ेगा। फिश करी अभी हमारा रेडी हो गया है, देखिए। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़े से कसूरी मेथी और चिकन मसाला पाउडर, जो सब्जी का टेस्ट बढ़ा देता है। इधर मैं सबके लिए डिनर लगा दी हूँ। भैया और हस्बैंड दोनों आ गए थे भाभी के घर से, तो देखिए सबके लिए फिश करी उसके साथ राइस। टाइम 11:45 हो रहा है और मेरे जो काम है सब खत्म हो गया। और ये चावल ज़्यादा बच गया है, क्यों भाभी के घर गए थे ना, उधर भी थोड़े थोड़े खा के आ गए थे तो नहीं खाए। तो ये अभी गर्म है तो मैंने फ्रिज में नहीं भरी हूँ, ऐसे ही रखी हूँ, कुछ नहीं होगा। और बर्तन मैंने धुल लिया, पानी ले लिया पीने के लिए। अब जा रही हूँ मैं रेस्ट करने के लिए। और इधर देखिए बच्चों ने अभी तक सोए नहीं है और पापा के साथ खेल रहे हैं मिलके। आज का कपड़ा भी पड़ा है, उसको मैंने फोल्ड भी नहीं किया है। और भैया देखिए कितना थक गया है, नींद में सो गया है। और कल भी वो मॉर्निंग में भैया जाएगा बाहर, तो उसको भी खाना बना के देना है। तो अभी जाके जल्दी सो जाते हैं। बच्चे और हस्बैंड सब बेड में मस्ती कर रहे हैं उनका, उनको अभी तो नींद नहीं आई है। तो मैं आज का ब्लॉग को इधर एंड करती हूँ। आप लोगों के साथ मिलूँगी आप और एक न्यू वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।